स्नेक बाइट हुआ, सूजन भी हुआ, उल्टी भी हुआ, फिर भी हम डॉक्टर नहीं दिखाया, ओझा का पास ठीक हो गया। बापी दा आप क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। ठंड आ चुका है और इस समय में सबसे ज़्यादा इंडियन रसल वाइपर, भारत के जो रसल वाइपर है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ये सांप जो है इस समय में सबसे ज़्यादा सर्पदंश होता है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक शख्स को यहाँ पर स्नैक बाइट हुआ, आँख पर, डायरेक्ट आँख पर स्नैक बाइट हुआ रसल वाइपर। कैसे हुआ, अद्भुत बात है दोस्तों। आप सभी को अनुरोध करता हूँ वीडियो मंत्री तक जुड़े रहे। इस शख्स को सांप काटने के बाद हॉस्पिटल लेकर वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए गया, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट जाने के बाद इसको लगातार एंटी वेनम भी चला, सब कुछ चल रहा, फिर भी इन्हें एंटी वेनम काम नहीं कर रहा। कारण क्या है? अब ये कह सकते हैं कि हो सकता है बॉडी का ऊपर, जैसे कि हम बताते हैं बॉडी का ऊपरी पार्ट में अगर स्नेक बाइट होता है बहुत तेज़ी से असर करता है और उसमें बहुत कम चांस होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता है कि अगर कॉमन करें कोबरा में सिर के गर्दन से ऊपर काटने से थोड़ा तेज़ी से असर करता है, बात सही है, लेकिन इनको स्नेक बाइट हुआ। ऐसा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वेनम इंजेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन स्नेक बाइट में एंटी वेनम काम नहीं कर रहा। और ये पहला घटना, इससे पहले भी एक स्नेक एक्सपर्ट थे बंगाल के जिनको स्नेक बाइट के बाद एंटी वेनम दिया गया टाइमली, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में पहुँचे हैं, जो कि रसल वाइपर स्लो डाउन पॉइजन है, 20 मिनट्स में कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें एंटी वेनम देने के बाद भी उनका मृत्यु हो गया। तो आज सेम घटना, एक शख्स को सर्पदंश हुआ आँख में और वहाँ बर्धमान वेस्ट बंगाल जहाँ पर इलाज चल रहा, लेकिन एंटी वेनम काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, बहुत तरह के विषय दोस्तों। आप सभी जुड़े रहिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर जानते हैं कि सांप का हर स्टेट वाइज उसका डेंटिसी अलग होता है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हर जगह का। ये नहीं कि बंगाल का सांप और उत्तराखंड का सांप या यूपी का सांप, दोनों का जहर का जो पावर होता है वेनम का, दोनों डेंट अलग होता है। इसीलिए ज़्यादातर ये सरकार को ये होना चाहिए, अगर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कोई स्नेक बाइट हो रहा तो उसमें जो एंटी वेनम यूज हो रहा, जो एबीएस यूज हो रहा, जो सांप का जहर से निकाल के एबीएस बनता है वो, लेकिन बंगाल का सांप का जहर से बनना चाहिए। मतलब वेस्ट बंगाल में किसी को अगर स्नेक बाइट हो रहा उसमें जो एबीएस यूज हो रहा वो उत्तराखंड का, यूपी का या अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर अदर स्टेट का होगा ठीक है, लेकिन काम बेटर नहीं करेगा। जैसे जस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का जो भी स्नेक है, ये स्नेक अगर वेस्ट बंगाल के किसी भी आदमी को अगर बाइट करता है तो ये जो इसमें जो एबीएस होता है, ये एबीएस यूपी का या केरल का या उत्तराखंड का, ये कोई एबीएस यहाँ अगर इस बॉडी में यूज होता है तो ये बेटर काम नहीं करेगा। ये अगर यहाँ पर अगर ये एबीएस अगर टेन बॉयल में जल्दी काम करेगा, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एबीएस सिर्फ जो 5 एबीएस में बॉयल में काम करेगा, ओनली फॉर 5 बॉयल में। इसी सेम टू सेम यूपी का कोई भी स्नेक बाइट होता है तो यहाँ ये बंगाल का एबीएस बेटर काम नहीं करेगा, जो कि यही का यूपी का जो एबीएस है वहाँ का जो किसी को भी स्नेक बाइट होता है ये बेटर काम करेगा। इसीलिए अक्सर मैं बताता हूँ कि एंटी वेनम एबीएस ये स्टेट वाइज होना चाहिए। मतलब अगर आपको स्नेक बाइट हो रहा बंगाल में, बंगाल का सांप काटा है, तो एबीएस वहीं का यूज होना चाहिए, ना कि दूसरे स्टेट का। हम लोग इंडिया में लगभग जो है अभी पॉली एंटी वेनम यूज हो रहा, सेमी एंटी वेनम फॉरेन में यूज होता है, इंडिया में अभी कोई सेमी एंटी वेनम यूज नहीं हो रहा, खास करके फॉरेन में जो बहुत मोस्ट वेनमस स्नेक है, ब्लैक मंबा हो गया या टाइगर स्नेक हो गया, मोजम्बिक स्पिटिंग कोबरा हो गया, या कोई भी सांप जो ज़्यादा मोस्ट वेनमस स्नेक है, ये सांप में खास करके आपको यूज होता है पॉली सेमी एंटी वेनम। सेमी एंटी वेनम सेम सांप पे ओनली ब्लैक मंबा का जहर से ही सिर्फ बनाया गया है, वो सेमी एंटी वेनम बेटर काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग 4 को सांप का जहर मिला के ब्लैक मामा में यूज करेंगे वो बेटर काम नहीं करेगा। हमारे इंडिया में वही हो रहा, मतलब बिग फोर स्नैक, कोबरा, करेत, रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर, ये 4 सांप का जहर निकाल के एक एबीएस बन रहा जिसको मल्टी एंटी वेनम बोलते हैं। ये एबीएस कोई भी स्नैक बाइट में यूज हो रहा, चाहे कोबरा काटे, चाहे करेत काटे, चाहे वाइपर काटे, चाहे मोनोकोल कोबरा काटे, कोई भी काटे, खास करके ये 4 सांप का ही एंटी वेनम जो बना हुआ है इसी एंटी वेनम यूज हो रहा, तो ये काम कर रहा, लेकिन बेटर काम करता सेमी एंटी वेनम, जो सांप काटा, करेत काटा,
करेत का जहर से जो एंटीवेनम बना हो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा। इसमें अगर 25-30 एंटीवेनम लग रहा वो सिर्फ 10 से 15 एंटीवेनम काम करता। तो इसीलिए पूरे भारत में गवर्नमेंट से सरकार से अनुरोध है कि आप स्टेट वाइज एबीएस बनाइए, वहाँ स्नेक फार्मिंग कीजिए और वहाँ पर इसका होना चाहिए। बंगाल में खास करके अभी सबसे ज़्यादा रसल वाइपर से बाइट हो रहा और रसल वाइपर बाइट हो रहा और कितना भी जल्दी आप जाइए किडनी और लिवर डैमेज हो जाता। अगर फॉल्स बाइट होता तो कोई बात नहीं, जैसे कि हम बताते हैं कोबरा का लगभग 80% 80% फॉल्स बाइट होता है। और दोस्तों अब वाइपर का ये लगभग इसमें 20% फॉल्स बाइट होता है और कोबरा का ये कम से कम 80%, ये 80% मतलब 100 में से 80 बार बिना झर का काटता है और ये 20% ये वाइपर का होता है और कॉमन करेत का फॉल्स बाइट नहीं होता है। लेकिन हाँ, फॉल्स बाइट तो नहीं होता लेकिन कॉमन करेत में होता क्या, जैसे टीथ है, ये छोटा सा टीथ है और टीथ का इस जगह में जहर निकालने जगह नहीं होता, होता यहाँ। तो कभी कभी ये टीथ जो है, ये जो होल है, ये बॉडी में इंजेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ से हल्का ऊपर से स्क्रैच हो गया आपका बॉडी में, तो ये आपको पेशेंट को वेनम इंजेक्ट नहीं हुआ, पेशेंट मरेगा नहीं। बहुत सारे आदमी ये कमेंट कर सकते हैं, आप बोलते हैं कॉमन करेत में फॉल्स बाइट नहीं होता, तो फिर कॉमन करेत बाइट करने के बाद बिना एंटीवेनम में भी बचा, ऐसा देखा गया। तो ये इसीलिए बचा है कि ये वेनम, ये जो टीथ है ये पूरी तरह इंजेक्ट बॉडी में नहीं हुआ, ये टीथ का वेनम कहलाता है। ये जो वेनम ग्लैंड होता है, ये जहर होता है, इसका पीछे कंप्रेसर मस्कल होता है और यहाँ पर छेद होता है जहाँ से जहर निकलता है, यहाँ नहीं होता है, होता है यहाँ पर। और ये अगर बॉडी में ही जब तक इंजेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा बॉडी में जहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है कोबरा और वाइपर ये दोनों में खास करके फॉल्स वाइपर, मतलब हमारा बॉडी में ये अगर टीथ हमारा बॉडी में अगर ये पूरी तरह अगर टीथ जल भी जाता है, मतलब ये होल भी अंदर इंजेक्ट होता है तो भी जहर नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स बाइट या ड्राई बाइट। तो आप सभी को अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी को स्नेक बाइट होता है तो ये नहीं कि आप वहां पर एबीएस नहीं जाए और एबीएस ले, ट्रीटमेंट शुरू करवाए और उस समय में ध्यान दे दो चीज़ में, खास करके वाइपर में। बार बार हॉस्पिटल कितना भी आपको बोले जो रिपोर्ट नहीं हुआ है, हम लोग कर रहे हैं आपको नहीं दे, नहीं, अभी हर दिन हम यही देख रहे हैं कि हॉस्पिटल जा रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, लास्ट में अंतिम में कहा जाता है कि इसको किडनी डायलिसिस करना होगा क्योंकि इसका यूरिया किडनी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यूरिन शॉर्टेज हो रहा है, तो आपका और कोई उपाय नहीं है, डायलिसिस करना हो। डायलिसिस करने का मतलब है बहुत परेशानी है, पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा वो बात का बात है लेकिन बहुत परेशानी है। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि पेशेंट जाने के बाद आप लगातार उसका लीवर और मतलब किडनी और लीवर दोनों चेक करते रहे, फिर भी लीवर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है लेकिन किडनी अगर बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको परेशानी बढ़ सकता है। इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर स्नेक एंटीवेनम के साथ साथ आप किडनी और लिवर को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ एबीएस नहीं देना, सिर्फ एबीएस चलेगा तो एबीएस से आपको स्नेक वेनम का जो सांप का जहर गया उससे बच सकते हैं, लेकिन वो जहर जिस जिस ऑर्गन को मार किया वो धीरे धीरे डैमेज होगा, वहाँ हाई एंटीबायोटिक चलेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप सभी को जो ये पूछना है बापीदा एबीएस का सब सांप में अलग अलग होता, नहीं, इंडिया में अभी सभी सांप में एक ही एंटीवेनम यूज होता, सिर्फ क्वांटिटी डिफरेंस है, सब सांप में अलग अलग एंटीवेनम नहीं दिया जाता, एक ही एंटीवेनम और वो जो है सिर्फ किसी में 15 से 20, किसी में 20 से 30, किसी में 40-45, किसी में बहुत ज़्यादा 50-60-70 भी लग सकता है। ये मतलब नहीं कि सांप कभी भी काटे, इतना जरूरत नहीं, कभी कभी स्नेक वेनम का ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जहर छोड़ा। अगर जैसे कि हम जानते हैं कोबरा 12 मिलीग्राम से ऊपर असर करता है और वाइपर 15 मिलीग्राम से ऊपर और कॉमन करेत का 2 मिलीग्राम से ऊपर, तो इसका हिसाब से अगर आपका बॉडी में इससे ज़्यादा जहर जाता है, जितना ज़्यादा तेज जहर जाएगा उतना तेज़ी से असर होगा। यह मतलब नहीं है कि किसी को अगर स्नेक बाइट हो गया, आप बोलते हैं स्नेक बाइट हुआ, सूजन भी हुआ, उल्टी भी हुआ, फिर भी हम डॉक्टर नहीं दिखाएं, ओझा का पास ठीक हो गया, बापी आप क्या कहना। तो यहाँ कहना यह है उनको स्नेक बाइट तो हुआ है, जहर गया है, लेकिन उस बॉडी में कि इतना मात्रा में नहीं गया जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट हो सकता, मर सकता है।
उसको ABS का जरूरत नहीं है, ABS बिना भी बच सकता है, लेकिन उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सूजन होगा, वह घाव हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, जान नहीं जाएगा, लेकिन ये सब हो सकता है, या लिवर में अटैक कर सकता है, बाद में धीरे धीरे भूख नहीं लगेगा, उल्टी उल्टी लगेगा, ये सब प्रॉब्लम होगा, लेकिन मरीज मरेगा नहीं। तो इसलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, कभी भी स्नेक बाइट हो जाए तो प्लीज़ अब हमें कॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रहा जो भी है, मेरा चैनल में एक ही चीज़ हम पब्लिक के लिए बनाता हूँ, ताकि सांप से जुड़े गंभीर से गंभीर जानकारी, ताकि आपका काम में आए, आपका जान बच पाए, आपका पड़ोसी का जान बच पाए। हम कोई भी वीडियो में, आप तो लगभग हम रेस्क्यू बहुत कम करते हैं, इसलिए कम करते हैं, बहुत सारे लड़का है रेस्क्यू करने के लिए, वो लोग जाते हैं, हम सिर्फ ओनली ज़्यादा खास कर नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, और फिर भी कभी मौका मिल जाता मैं जाता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी को अनुरोध करता हूँ, हमारा हॉस्पिटल जल्द से जल्द ओपनिंग होने वाला है, आप सभी को अनुरोध करता हूँ सब आए और ओपनिंग में सभी यहाँ पर जो है अपना योगदान दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।